लाल सागर में हुतियों के हमले के बाद से ही माहौल काफी बिगड़ता दिख रहा है। भारत आ रहे जहाज पर हमले के बाद भारतीय नौसेना उस क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है। एक से एक घातक विध्वंसक तैनात कर दिए गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ये बात साफ कर दी है कि भारत उस क्षेत्र में सामने आ रही स्थिति के सभी पहलुओं का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन कर रहा है। लेकिन इस बीच हुतियों ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। हुती विद्रोहियों ने सबसे पहले तो अमेरिका को ललकारा। हुतियों का कहना है कि लाल सागर में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। हुतियों के संगठन के एक लीडर मोहम्मद अल बकीती ने उस क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी करते हुए एक संदेश भेजा कि यमनी सशस्त्र बल अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार है। हुती विद्रोहियों की ओर से ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका लाल सागर में उन्हें मारने के लिए एक मल्टीनेशनल फोर्स बनाने पर काम कर रहा है और दूसरी तरफ भारत अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। भारत ने ये तो साफ कर दिया है कि वो लाल सागर में और उसके आसपास किसी भी बहुपक्षीय पहल या अभियान का हिस्सा नहीं, मगर कमर्शियल शिप्स की सुरक्षा भारत के लिए प्राथमिकता है। बड़ी बात यह है कि इस हमले को भारतीय नौसेना ने गंभीरता से लिया और 5 विध्वंसक जहाज INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरमुगाव, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम लाल सागर में तैनात कर दिए। इन विध्वंसक में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल तैनात की गई। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत आ रहे MV कैंप प्लूटो पर भी हुतियों की तरफ से हमले की कोशिश की गई। कई हद तक ये सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि समय रहते इंडियन कोस्ट गार्ड वहां पहुंच गए और उस जहाज को सुरक्षित वापस लेकर आए। लेकिन देखा जाए तो इसके अलावा भी कई ऐसे हमले हैं जो हुती इस क्षेत्र में कर चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो लगातार हमले के बाद भी ये कहते दिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और साथ ही साथ लाल सागर सभी गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित है। वो केवल इजरायली स्वामित्व या उससे जुड़े जहाजों को ही निशाना बनाएंगे, मगर असलियत में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। वो हर जहाज पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जिस टास्क फोर्स को बनाकर हुतियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, उसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग नहीं लिया। देखा जाए तो भारत भी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, मगर हुतियों को सबक सिखाने के लिए भारत तैयार है। जो जहाज भारत ने तैनात किए हैं वो बेहद घातक हैं और उनके आगे टिक पाना उन विद्रोहियों के बस की बात नहीं। रही बात अमेरिका की, तो उसके भी जहाज लाल सागर में इस वक्त तैनात है। हुतियों की एक गलती और उसे ये सारे देश मिलकर उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। हुतियों की धमकी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।